नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। मैं कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूँ आज की बेहद ही बड़ी खबरों को लेकर के। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बढ़ते हैं उस न्यूज की ओर जो बेहद ही खास है और बेहद ही बड़ी खबर है। दरअसल मोदी राज में भारत बन गया है दुनिया का सबसे ताकतवर देश। आइए जरा नजर डालते हैं। मोदी सरकार मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के कगार पर है और इन 5 वर्षों में भारत ने बहुत सारे क्षेत्रों में तरक्की भी किया है, जैसे विकास की रफ्तार हो या फिर काले धन की मार हो। पर मोदी राज में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और दुनिया के पटल पर सबसे ताकतवर बनकर के उभरना। एक तरफ मोदी ने कई देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत किया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने चीन और पाकिस्तान को अपनी ताकत भी दिखाई है। भाजपा के 2014 के नीति पत्र में विदेश नीति को नई शुरुआत और नई दिशा देने का वादा किया गया था। 5 साल बाद परिणाम पूरक विदेश नीति सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। विदेश नीति को नई शुरुआत और नई दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दी गई है, जिन्होंने दुनिया भर की व्यापक यात्राएं की। और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में 93 देशों की यात्राएं की हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 दशक में इतने देशों की यात्रा की थी। भारत की नई कूटनीतिक असीम अहमियत की झलक मिली जब 14 फरवरी को पुलवामा हमले और 26 फरवरी को बालाकोट हवाई हमले के बाद दुनिया भर से समर्थन मिला। पाकिस्तान उसकी सीमा से गिरे भारतीय पायलट को 48 घंटे के बाद ही लौटाने का के लिए विवश हो गया। और इन 5 वर्षों में भारत ने अपने पारंपरिक दोस्त रूस, जापान, इजराइल से अपनी दोस्ती और भी गाढ़ी की है। बात रूस की करें तो दुनिया की परवाह किए बगैर रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शुरू से ही भारत से दोस्ती निभाता रहा है। हालिया दिनों में भारत ने अमरीकी प्रबंधक के रूप में S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा किया और बाद में AK-103 राइफल पर भी समझौता हुआ। इससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है और इसके बाद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा भी कर दी। इस ऐलान के बाद ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने रूस को धन्यवाद कहा और पीएम मोदी को भारत का नाम ऊंचा करने के लिए बधाई भी दिया। वहीं जापान भी भारत के रिश्ते मजबूत करने में कहीं पीछे नहीं है। मोदी राज में गुजरात में भारत जापान के द्वारा बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी गई और ऐसे ही कई ऐसे समझौते हुए जिससे भारत की ताकत को दुनिया ने जाना। वैसे इजराइल से भी भारत की दोस्ती कुछ कम नहीं है। भारत अभी भी इजराइल से काफी हद तक हथियार खरीदता है और मौजूदा समय में इजराइल मिसाइल, एंटी मिसाइल और सिस्टम, UAV टो लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद इत्यादि इजराइल की बड़ी मात्रा में भारत को मुहैया करवाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ भारत के रिश्ते रूस, इजराइल, जापान संग मजबूत है, बल्कि इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग भी मोदी के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। पर बात अगर अमेरिका की करें तो ट्रंप युग आते ही भारत के रिश्ते अमेरिका से बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं। कभी कभी दोनों देश नजदीक होते दिखते हैं तो कभी ट्रंप दोस्ती की राह में दीवार बनकर के खड़े हो भी हो जाते हैं। हालांकि मोदी युग में भारत कभी भी अमेरिका के आगे नहीं झुका और इस वजह से भारत आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है और इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी राय में भारत आज सचमुच ताकतवर है या आप इस बात से सहमत है तो आप हमें जरूर शेयर करके अपने कमेंट्स से अपने विचार साझा करें। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ अन्य एनालिसिस को लेकर के, रिपोर्ट को लेकर के, ओपिनियन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।